गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चे आज हम फोर्थ चैप्टर रीड करेंगे, भविष्यत काल। जैसे बच्चे आप जानते हो कि तीन काल होते हैं, एक होता है भविष्यत काल, एक भूतकाल और एक वर्तमान काल। जैसे जानते हो भविष्यत काल आने वाला और वर्तमान काल जो चल रहा है और भूतकाल जो बीत चुका। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? वर्तमान काल। मैं पढ़ा चुकी, ये भूतकाल। मैं पढ़ाऊँगी तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। तो लिट लकार क्या होता है? भविष्यत काल। इसमें बच्चे प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। अब प्रथम पुरुष क्या होता है? जैसे कि पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, तीनों वचन आए हुए हैं प्रथम पुरुष के। या खादिष्यते, सॉरी खादिष्यति, खादिष्यते, खादिष्यन्ति, प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में। जैसे कि जो क्रिया अभी हुई नहीं है अपितु आने वाले समय में होगी, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। धातु में लिट लकार की विभक्तियां जोड़कर भविष्यत काल की क्रियाएं बनाई गई है। जैसे कि नेना, नैना गमिष्यति, तो नैना जाएगी। मित्रानी हसीयन्ति, मित्रानी ये बहुवचन है, अनेक मित्र हंसेंगे। अभी हंसे नहीं है बच्चे, या नैना गई नहीं है, जाएगी। भविष्यत काल नैना जाएगी, अनेक मित्र हंसेंगे। इसी तरह ये चैप्टर है बच्चे जैविकम उद्यानम अर्थात चिड़ियाघर। जैसे कि आप चैप्टर में देख रहे हो, चित्र में आपको नज़र आ रहा है, ये हाथी है, एक बच्चा हाथी को केले खिला रहा है। यहाँ पर इसके दादाजी है इस बच्चे के। मोर दिखाई दे रहा है, बाघ है, मगरमच्छ है, कुछ बच्चे शेर को देख रहे हैं। तो बच्चे चिड़ियाघर के बारे में इस चैप्टर का आज वर्णन करेंगे हम। ध्यान से देखें, शव इसका कल, रविवासर है, रविवार, कल रविवार है। कुलदीपे अर्थात कुलदीप, पिता महेन दादाजी के सह का साथ, भ्रमणाएँ घूमने, जैविकम उद्यानम चिड़ियाघर गमिष्यति जाएंगे। कुलदीप दादाजी के साथ घूमने चिड़ियाघर जाएंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले उद्यानस्य चिड़ियाघर पशु विभाग है, पशु विभाग में, तो वे दोनों सिंहान शेरों को दृक्षतः देखेंगे। सबसे पहले चिड़ियाघर के पशु विभाग में वे दोनों शेर को देखेंगे। यद्यपि सिंह गर्जिष्यति, यद्यपि शेर गर्जेगा या धाड़ेगा, तथापि तब कुलदीप ना भेष्यति, डरेगा, कुलदीप नहीं डरेगा। व्याघ्र बहुत सारे शेर अभी भी गर्जिष्यन्ति, गर्जेंगे, बाघ भी गर्जेंगे। अन्यत्र अन्य जगह मृगा हिरण इतस्तः इधर उधर धाविष्यन्ति, दौड़ेंगे। अन्य जगह हिरण इधर उधर दौड़ेंगे। वानरा वृक्षात, वृक्ष है, वृक्ष से कूदिष्यन्ति, कूदेंगे। अब बहुत सारे बंदर है बच्चे, अब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदेंगे। गजा हाथी, काफ़ी सारे हाथी, सने सने धीरे धीरे चलिष्यन्ति, हाथी धीरे धीरे चलेंगे। बलान बच्चे पृष्ठ पीठ पर, वक्ष्यन्ति बैठेंगे। चा और अब बच्चे हाथी जो है वो बच्चों को पीठ पर बिठाएंगे या ढोएंगे। ध्यान से सुनो, हाथी धीरे धीरे चलेंगे और
बच्चों को पीठ पर ढोएंगे या बैठाएंगे। खगा नाम पक्षी विभाग है, विभाग में मयूरा अनेक मोर नर्तिष्यंती नाचेंगे। पक्षी विभाग में अनेक मोर नाचेंगे, या हम सीधा ये कह सकते हैं पक्षी विभाग में मोर नाचेंगे। अगला है शुका मनुष्य अनेक तोते मनुष्यों की तरह बधिष्यंती बोलेंगे। अनेक तोते मनुष्यों की तरह बोलेंगे। और कोकिला कुजिष्यंती चा और कोकिला कोयल अनेक सारी कोयल जो है कूकेंगी। अनियंत्र है, अब दूसरे स्थान पर जल है, जल में मकरा अनेक मगरमच्छ तरिष्यंती तैरेंगे। अब दूसरे स्थान पर जल में अनेक मगरमच्छ तैरेंगे। हंसा भ्रमिष्यंती और हंस घूमेंगे। कछुआ क्रीडिष्यंती चा कछुए क्रीडिष्यंती खेलना चा का और कछुए खेलेंगे। अब बच्चे दोबारा पढ़ती हैं, दूसरे स्थान में मगर जल में मगरमच्छ तैरेंगे, हंस घूमेंगे और कछुए खेलेंगे। उद्यान है, बगीचे में अनेका अनेक वृक्षा पेड़ संती है। बगीचे में अनेक पेड़ है। वृक्ष से छायायाम सिद्धार्थ है, वृक्ष की छाया में सिद्धार्थ पितामह दादाजी शीतल जल पिएंगे। ठीक है, वैसे तो बच्चे यहाँ कुलदीप आना था, प्रिंट गलत है क्योंकि कुलदीप ही तो अपने दादाजी के साथ घूम रहे हैं, चिड़ियाघर गया था घूमने के लिए, तो यहाँ पर वैसे कुलदीप आना था, सिद्धार्थ आया है, तो हम यहाँ वैसे काट के कुलदीप लिख सकते हैं। पेड़ की छाया में कुलदीप पिता के साथ शीतल जल पिएगा। ठीक है, या सिद्धार्थ। ठीक है, तत् चय ग्रह आगमिष्यत और बच्चे और पहले आ जाएगा और तब घर आ जाएंगे। बच्चे इसको यहाँ पर आप कुलदीप ही कर लेना काट के। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में दादाजी के साथ ही तो कुलदीप जाता है, तो यहाँ हम कर लेंगे कुलदीप है। ठीक है, पेड़ की छाया में कुलदीप और दादाजी शीतल जल पिएंगे और तत् पहले और पहला जाएगा और तब घर आ जाएंगे। अब बच्चे ये चैप्टर आपको अच्छी तरह रीड करना है और दूसरा इसके शब्दार्थ है पेज नंबर 16 पे बच्चे इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, तो ये आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है। ठीक है, थैंक यू।